ग्वालियर में एक युवती के साथ हुई 8 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। ठगी करने का ये नया तरीका चौंकाने वाला है, जिसमें ठग बैंक कर्मचारी बनकर शिकार से उसके बैंक डिटेल लेकर पैसों को एक ऐसे खाते में ट्रांसफर करते हैं जो अपराधी के अपने नहीं बल्कि किसी दूसरे शख्स से ठेके पर लिए हुए खाते हैं। ग्वालियर पुलिस ने बंगाल से एक महिला मुक्ति विश्वास को पकड़ा, जिसने बताया कि उसने अपने 4 बैंक खाते ठेके पर दिए हुए हैं, जिसके लिए हर खाते के हिसाब से उसे 5,000 रुपए मिलते हैं। पुलिस ने बंगाल से ठगी से जुड़े इन 3 आरोपियों को पकड़ा है, इनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बनकर और उसके क्रेडिट कार्ड व अकाउंट की डिटेल्स लेकर के उसके खाते से 8,14,000 रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस प्रकरण में हमने FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और दौरान विवेचना इसमें अपराधम पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और जब हमने इसमें विवेचना की तो पाया कि जो अमाउंट है वो पहले किसी अन्य खातों में ट्रांसफ़र हुआ और फिर वहाँ से किसी अन्य खातों में ट्रांसफ़र हुआ, तो जब हमने उसको टेक्निकली ट्रेस किया तो हमने पाया कि ये जो पैसा है वो पूरा पश्चिम बंगाल से निकला है, जिसमें हमने एक महिला को गिरफ्तार किया है पश्चिम बंगाल से। हमने वहाँ से उसका ट्रांजिट रिमांड लिया और